गुड मॉर्निंग क्लास. इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म. तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है दे आर ग्रुप्ड इन टू डिवीजन एंजियोस्पर्म. और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन प्रीवियस क्लास और प्रीवियस चैप्टर दैट इज चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दीज आर फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन. सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस चैप्टर में डिस्कस करना है. और कितने स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और हाउ मेनी इवेंट्स आर फॉर्म इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कितने स्टेप्स, कितने प्रोसेसेस, कितने इवेंट्स होते हैं और कितने स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये सभी डिस्कस करना है इन चैप्टर सेकंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो पहला स्टेप यहाँ से ले लेते हैं दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. कितने स्ट्रक्चर और इवेंट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ये हमें प्री फर्टिलाइजेशन में देखना है. तो सबसे पहले जो एक प्लांट लेते हैं और एक प्लांट को कितने ग्रुप में या कितने पार्ट्स होते हैं उनके यहाँ पे दिखा देते हैं. तो जो मेजर पार्ट होते हैं प्लांट्स के वो कौन कौन से होते हैं. दीज आर फ्लावर लीफ स्टेम एंड रूट. तो मेजर जो पार्ट होते हैं फ्लावर लीफ स्टेम एंड रूट, जिसमें से जो फ्लावर है हमारा वो पार्टिसिपेट करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्लावर फॉर्मेशन के लिए जो प्लांट है वो वहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. और इस प्लांट में फ्लावर फॉर्मेशन के लिए जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये हमने कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये 11th क्लास का टॉपिक है. तो ये आप लोग ने डिस्कस आपने पढ़ा होगा. तो फ्लावर फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे, तो यहाँ पे मैं एक क्विक रिविज़न कर दे रही हूँ कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे स्टेम मॉडिफाइड होके फ्लावर का फॉर्मेशन करता है. एक्चुअली में जो फ्लावर होता है वो स्टेम ही होता है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में. यहाँ पे कैसे होते हैं कि जो हमारा इस जब डेवलपमेंट प्लांट का होता है तो वहाँ पे दो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम दैट इज एपिकल मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम स्टेम में प्रेजेंट होते हैं दोनों, एपिकल मेरिस्टेम. तो जब भी स्टेम ग्रो करता है तो एपिकल साइड पे सेल डिफरेंशिएट होते हैं, देन सेल इलोंगेट होते हैं और डेवलपमेंट होता है सेल का. देन स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती है या ग्रो करना स्टार्ट होता है. तो एपिकल मेरिस्टेम से हमेशा अपवर्ड के साइड ग्रोथ होती है. देन लैटरल मेरिस्टेम से जितने भी लीफ और लैटरल ब्रांचेस का जितने भी अराइज होते हैं फ्रॉम स्टेम से तो वो लैटरल मेरिस्टेम के थ्रू ही अराइज होते हैं. तो यहाँ पे एक स्टेम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्टेम को
अगर देखा जाए तो यहाँ पे एपिकल रीजन प्रेजेंट होगा, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, और लैटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होंगे, दैट इज अगर स्टेम को डिवाइड किया जाए तो स्टेम में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोड्स एंड नोड्स एंड दीज आर इंटर नोड्स। तो नोड्स रीजन पे लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। अब जब भी फ्लावर का डेवलपमेंट होना होता है तब क्या होता है, जितने भी एपिकल मेरिस्टेम है तो एपिकल मेरिस्टेम में फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे फ्लावर के। देन नोड्स क्या करेंगे, नोड्स डेवलप करेंगे पेटल, दिस इज पेटल फ्लावरिंग पार्ट पेटल एंड दिस इज सेपल। तो यहां पे मैं फिर से ड्रॉ कर दे रही हूं। तो जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर में नोड्स कैसे प्रेजेंट होंगे और फ्लावर कैसे इंटर नोड और नोड पे प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है किसी भी प्लांट का, और हमें फ्लावरिंग प्लांट में ही देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देन यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रोडक्शन जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले डिस्कस हो चुका है इन चैप्टर फर्स्ट इन डिटेल। यहाँ पे सेक्सुअल चैप्टर टू में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर का फॉर्मेशन देख लेते हैं और फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं। देन फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर देखेंगे, दैट इज फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फ्लावर होता है यहाँ पे दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं और एसेसरी पार्ट्स होते हैं। एसेसरी पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बनाएंगे देन एसेसरी पार्ट्स बनाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, जो अपर मोस्ट रीजन होता है, स्टिकी रीजन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा, स्टिकी होता है, क्योंकि ये स्टिकी इसलिए होता है ताकि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सके। पोलन ग्रेन जब एयर में, चाहे एनिमोफिलस उसका पॉलिनेशन हो रहा हो इस प्लांट का, जैसे कि एयर के थ्रू यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए हैं, तो इनको स्टिक करने के लिए ये यहाँ से चिपक जाए स्टिग्मा के थ्रू, और फिर इनके जो इस पोलन ग्रेन में जितने भी दो स्पर्म रहते हैं वो एंट्री कर सके ओव्यूल तक और फर्टिलाइजेशन हो सके, तो ये स्टिग्मा स्टिकी होता है। देन फिलामेंट होता है जिसे स्टाइल बोला जाता है, स्टाइल तो यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा, नोड और इंटर नोड में फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है यह भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले फ्लावरिंग पार्ट देख लेंगे, फिर फ्लावर का फॉर्मेशन देख लेंगे। देन यहाँ पे स्टिग्मा, देन स्टाइल फिलामेंट स्टाइल, देन दिस पार्ट इज नोन एज कार्पल, कार्पल जिसके अंदर ओव्यूल रहते हैं, और इन तीनों पार्ट को कलेक्टिवली पिस्टल बोला जाता है इस पार्ट को कलेक्टिवली। और फिर जो
एंड्रोसियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेयर इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर गाइनोशियम के नीचे से दैट इज थैलमस से ओरिजिन करता है और पेटल से भी ओरिजिन करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोसियम प्रेजेंट होते हैं। एक वो स्टेम है जो एंड्रोसियम जो पेटल से लगे होते हैं, पेटल से अटैच होते हैं, और एक एंड्रोसियम वो जो थैलमस से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे एंड्रोसियम एंड्रोसियम देन एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? एक स्टैमन को देखें देखा जाए तो एक स्टैमन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एंथर एंड सेकेंड पार्ट इज फिलामेंट। एंथर फिलामेंट, इसे कलेक्टिवली स्टेमन बोला जाता है, दोनों को मिला के स्टेमन स्टेमन बोला जाता है, दोनों को कलेक्टिवली स्टेमन बोला जाता है। और कई सारे स्टेमन को मिलके मोर देन टू स्टेमन को अगर कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, एंड्रोसियम, और मोर देन टू पिस्टिल को कलेक्टिवली बोला जाएगा गाइनोशियम। देन यहाँ पे जो ये होंगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन इसके सिवा एसेसरी पार्ट्स भी होते हैं, दैट इज कौन कौन से एसेसरी पार्ट होते हैं? यहाँ पे पेटल एंड सेपल, here it is petal which is accessory part, petal and sepal, small short green color sepal, sepal। और collectively petals को क्या बोला जाता है? More than two petal collectively बोला जाएगा corolla and more than two sepal collectively called as calyx। तो calyx बोला जाता है more than two sepal को, and petal that is collectively petal are called as corolla more than two petals। तो यहाँ पे ये पेटल और सेपल एसेसरी पार्ट हो गए, वेयर इज गाइनोशियम एंड एंड्रोसियम जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेल एंड फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोसियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम and male reproductive part is androsium। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं यहाँ पे गाइनोशियम एंड एंड्रोसियम। अब एक्चुअली में ये गाइनोशियम और एंड्रोसियम कैसे फॉर्म होता है, फ्लावर कैसे फॉर्म होता है? एक्चुअली में ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, दैट इज कि अगर हम एक स्टेम का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो जब स्टेम होते हैं, जब जो स्टेम होता है उस पर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड से हर जितनी भी लीव्स होती हैं और लेटरल ब्रांचेस होते हैं उनका जो ओरिजिन होती है वो इंटर नोड से लगे हुए नोड्स से होता है। तो यहाँ पे नोड्स क्या करते हैं कि ओरिजिन करते हैं लेटरल ब्रांचेस की और लीव्स की। तो यहाँ पे लीव्स ना निकल के यहाँ पे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट निकल
हैं, दैट इज कि जब हम देखेंगे तो सबसे सेंटर में कौन प्रेजेंट है, दैट इज गाइनोशियम। तो यहाँ पे भी सेंटर में गाइनोशियम का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। तो गाइनोशियम डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, देन इंटरनोड पर नोड पर लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, नोड पर लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, देन लैटरल मेरिस्टेम से लीफ, नॉर्मली लीफ की ओरिजिन होती है, लेकिन यहाँ ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है तो इसमें लैटरल मेरिस्टेम से लीफ की ओरिजिन नहीं होगी, यहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, दैट इज कि जैसे यहाँ पे गाइनोशियम के नीचे कौन सा फ्लावरिंग पार्ट है, दैट इज एंड्रोशियम, यहाँ पे भी एंड्रोशियम ओरिजिन होगा, एंड्रोशियम, देन एंड्रोशियम के नीचे कौन सा फ्लावरिंग पार्ट है, दैट इज पेटल, नेक्स्ट नोड से पेटल, फिर पेटल के नीचे सबसे लास्ट में कौन सा है, दैट इज कैलिक्स, तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट में कैलिक्स निकलते हैं, देन इन सभी को कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस करने के बाद जो फाइनल हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो यही मिलता है, तो इसलिए सब एक साथ हमें दिखते हैं, दैट इज गाइनोशियम, एंड्रोशियम, पेटल एंड सेपल। करोला, वर्ल ऑफ करोला, वर्ल ऑफ पेटल, वर्ल ऑफ सेपल, कलेक्टिवली कॉल्ड एज करोला एंड कैलिक्स। तो इस तरीके से हमें एक फ्लावर का स्ट्रक्चर मिलता है, देन फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपरेट सेपरेट पढ़ लेते हैं, दैट इज स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टेमन का डिस्कस होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इन्हें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बोला जाता है। अब कलेक्टिवली एंड्रोशियम कैसे फॉर्म हो रहा है, तो हमने इससे पहले हमने अभी देखा है कि दैट इज जब स्टेम कंप्रेस हो जाती है तो डिफरेंट और नोड से सबकी ओरिजिन होती है और कंप्रेस होके एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मिल जाता है, दैट इज फ्लावर, और फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और ये स्टेमन कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोला जाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एक स्टेमन कैसा होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज फिलामेंट अटैच विद द एंथर, जो एंथर, यहाँ पे एंथर लगा होता है, एंथर, देन इट इज नोन द अटैच फिलामेंट, अटैच विद द फिलामेंट, एंड फिलामेंट अटैच विद द सेपल, सॉरी पेटल और थैलमस, ये दो तरीके से, या तो पेटल पे अटैच हो सकते हैं, नहीं तो थैलमस पे, फ्लावर के थैलमस पे अटैच हो सकते हैं। तो अगर पेटल पे अटैच है तो यहाँ पे इस तरीके से पेटल से लगे होंगे, और अगर थैलमस से अटैच है, दैट इज थैलमस से अटैच कैसे होंगे, दिस इज थैलमस। तो जैसे फ्लावरिंग पार्ट और फ्लावरिंग पार्ट अटैच होते हैं थैलमस से, जैसे कि गाइनोशियम और पेटल और सेपल जैसे अटैच होते हैं, ठीक उसी तरह कैसे एंथर और फिलामेंट भी इसी थैलमस पे अटैच होगा, स्टेमन भी इसी थैलमस पे अटैच होगा। तो फिर इसके बेस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिलामेंट के अटैचमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, यही अटैचमेंट सब पे नहीं होगी, दैट इज बेसल एंड पे ही सभी फिलामेंट अटैच नहीं होंगे, बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस होते हैं, दैट इज टाइप ऑफ स्टेमन
ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। तो कितने टाइप ऑफ स्टैमन हो सकते हैं, दैट इज बेसिफिक्स, फर्स्ट इज बेसिफिक्स, सेकेंड इज डॉर्सिफिक्स, डॉर्सिफिक्स, थर्ड इज एनिमेट एंड फोर्थ इज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल एंथर। बेसिफिक्स कौन सा है, डॉर्सिफिक्स कौन सा है, एनिमेट या एडनेट, इट इज ऑल्सो नोन एज एडनेट कौन सा है, देन वर्सेटाइल कौन से, बेसिफिक्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बेसिफिक्स हियर इज एंथर, व्हेन फिलामेंट अटैच एट द बेस ऑफ एंथर, दिस इज नोन एज बेसिफिक्स एंड डॉर्सिफिक्स, दैट एंथर, हियर इट इज एंथर, व्हेन फिलामेंट अटैच एट द डॉर्सल साइड ऑफ द एंथर, जब फिलामेंट डॉर्सल साइड एंथर के प्रेजेंट या अटैच होता है, देन इट इज नोन एज डॉर्सिफिक्स एंथर, सॉरी डॉर्सिफिक्स एंथर। एडनेट क्या होता है, दैट इज कि जब एंथर के किसी एक पॉइंट से अटैच ना होकर पूरे एपेक्स से लेकर बेसल एंड तक पूरा जॉइन होता है फिलामेंट से, देन इट इज नोन एज एडनेट टाइप ऑफ एंथर। देन वर्सेटाइल, व्हाट इज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल इज दैट इज यहाँ पे एंथर वर्टिकल वर्टिकली प्रेजेंट होता है, देन सिर्फ वन पॉइंट पे एट द सेंटर ऑफ दिस एंथर फिलामेंट अटैच। तो जितने भी प्लांट्स एनिमोफिलस होता है, दैट इज विंड, वहां पे विंड पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिलस एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे टाइप ऑफ प्लांट में या ऐसे फ्लावरिंग प्लांट में वर्सेटाइल एंथर प्रेजेंट होता है, दैट इज ताकि ये यहाँ ये विंड के थ्रू, थोड़े से विंड के थ्रू भी ये इजिली अपने पोलन को डिस्पर्स कर सके। तो यहाँ पे डॉर्सिफिक्स्ड एंथर होते हैं, देन सॉरी बेसिफिक्स्ड एंथर, डॉर्सिफिक्स्ड एंथर, एडनेट एंड वर्सेटाइल एंथर। तो इस तरीके से एंथर प्रेजेंट होते हैं, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंथर, हियर इट इज टाइप्स ऑफ एंथर, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं एंथर का, तो एंथर में एक एंथर लेते हैं और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंथर है, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हमें कितने सेल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, दैट इज यहाँ पे इस तरीके से हमें टेट्रालोब स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये टेट्रालोब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन एंथर में दिखाई देता है, और टेट्रालोब स्ट्रक्चर के अंदर पोलेन मदर सेल और स्पोरेंजियो या स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसे क्या बोला जा रहा है, इनर साइड ऑफ एंथर, इसे स्पोरेंजियम, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे एंथर का, स्पोरेंजियम, ऑल्सो नोन एज
माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एंथर है और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ पर मेल ऑर्गेन और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और मेल गैमेट्स कौन से हैं, पोलन ग्रेन। तो स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स कैरी करते हैं और माइक्रोस्पोर्स ही पोलन ग्रेन है, तो इस पोलन ग्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे पोलन ग्रेन बोला जा रहा है, इसीलिए इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। देन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स Here it is microspore mother cell. Then microspore mother cell divide करके meiosis division होता है microspore mother cell में, this is also known as PMC, that is pollen mother cell. Pollen mother cell. तो pollen mother cell भी इसे बोला जाता है और पोलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन के थ्रू पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जब भी यहाँ एंथर है। अब एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन के थ्रू पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और पोलन ग्रेन डिस्पर्सल, जब इस एंथर का डिस्पर्सल होता है तो डिस्पर्सल के टाइम ये एंथर डिस्पर्स कर जा एंथर खुल जाते हैं और खुल जैसे ही खुलते हैं यहाँ से पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल हो जाता है, वेदर वो कोई भी मीडियम हो सकता है डिस्पर्सल का, और पॉलिनेशन का कोई भी मीडियम, दैट इज वाटर, विंड और इंसेक्ट, बर्ड्स, सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन अगर देखा जाए एंथर में फॉर्म कर रहे हैं बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है, और एक सेक्शन देखा जाए यहाँ पे तो एंथर का, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं और एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन फोर लेयर से होता है, और वो फोर लेयर कौन सी है, दैट इज एंथर फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, जो यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है इन एंथर, इसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जा रहा है, और माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन फोर लेयरिंग से होता है, फोर वॉल नंबर ऑफ लेयर से होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट वॉल इज नोन एज, तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर दैट इज यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहला फोर वॉल होते हैं, फर्स्ट वॉल इज एपिडर्मिस, सेकेंड वॉल इज एंडोडर्मिस, थर्ड इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ इज टैपिटम। जो आउटर थ्री लेयर हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, दैट इज जो स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं इन्हें डिवाइड करके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना है, तो ये एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, दैट इज उन्हें ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में, ज़्यादा एडवर्स कंडीशन तो फेस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा विंड, ज़्यादा वाटर, जैसे रेनी सीजन में वाटर से बचाते हैं और हाई विंड
इंटेंसिटी से, लाइट इंटेंसिटी से बचाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। देन टेपीटम क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, तो माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है टेपीटम। प्रोवाइड नरिशमेंट और नरिशिंग नरिशिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, और ऊपर की जो थ्री लेयर है ये प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। देन यहाँ पे मियोसिस डिवीजन के थ्रू कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जो स्ट्रक्चर है एंथर का, ये दैट इज एंथर इज मेड अप ऑफ फोर लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। और जो ऊपर की थ्री लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर प्रोटेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड टेपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो नेक्स्ट क्लास में डेवलप पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये डिस्कस करेंगे।